तुमसर तहसील के किसानों की समृद्धि हो इसलिए बावन थड़ी पान की निर्मित की गई है। तुमसर मोहाड़ी तहसील के किसानों को मुख्य नहर द्वारा लगातार 3-4 वर्ष से खेती को पानी मिल रहा है। इस वर्ष ग्रीष्मकालीन धान बुआई के लिए बावन थड़ी प्रकल्प का पानी छोड़ा गया है, लेकिन अभियंता और कर्मचारियों की अनदेखी से मुख्य नहर में कई जगह पर दरारें आई थी, लेकिन उन दरारों की मरम्मत न करने पर एवं पानी का बहाव ज्यादा होने से खापा काटे बामनी खेत परिसर में मुख्य नहर में पड़ी दरारों से नहर फूटने की आशंका व्यक्त की जा रही है। नहर में आई दरारों से सैकड़ों लीटर पानी बह सकता है और किसानों का बड़े पैमाने पर क्षति भी हो सकती है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। नहर के पानी का अपव्यय रोकने के लिए बावनथड़ी प्रकल्प अधिकारी असफल होते दिखाई दे रहे हैं। तुमसर व मोहाड़ी तहसील के किसानों ने धान की रोपाई की है। अभी धान की फसल उगने की अवस्था में है, लेकिन नहर में पड़ी दरारों की मरम्मत नहीं की गई है। इससे नहर की दीवार गिरकर बड़े पैमाने पर किसानों को क्षति हो सकती है। अभी फसल की रोपाई के लिए बावनथड़ी प्रकल्प से नहर द्वारा खेतों को पानी मिलने का नियोजित किया गया है, लेकिन नहर में पड़ी दरारों से पानी खेतों तक आएगा या नहीं, किसान इस चिंता में है। इस वर्ष फसल होगी या नहीं, इस चिंता में घिरे है। बावनथड़ी प्रकल्प अधिकारी अभियंता एवं कर्मचारी की अनदेखी से किसानों की फसल संकट में है। नहर की मरम्मत कर खेत तक पानी पहुंचाने की मांग किसानों ने की है। इससे पहले भी खापा से काटी बामनी को जाने वाली दाई नहर में दरारें आई थी और हजारों लीटर पानी मार्ग पर बह रहा था। अधिकांश इस नहर में दरारें नहीं है। इस नहर से हजारों हेक्टेयर खेत में पानी जाता है, लेकिन कुछ वर्ष से इस नहर की मरम्मत ना कर शासन अनदेखी कर रहा है। एक और बड़ी बड़ी धरण के लिए हजारों करोड़ों रुपयों की निधि दी जाती है, लेकिन जिस मार्ग से किसानों को पानी मिलेगा वहाँ केवल नियोजन शून्य दिख रहा है। ऐसे हालत में किसान कैसे सुखमय होगा, यह एक शोकांतिका है। बावनथड़ी प्रकल्प तुमसर तालुका आणि मोहाळी तालुक्याच्या शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणारा हा प्रकल्प आहे। अतिशय संघर्ष करून हा प्रकल्प उभा झाला, परंतु या प्रकल्पामध्ये जे कॅनल तयार झालेले आहेत त्या कॅनलवर जे अस्तरीकरण झालं ते अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झाले आणि त्याच्यामुळे आता ते उफाळणं सुरू झालेलं आहे। आज या बावनथडी खापा ते काटेबामणी या कॅनलवर एक मोठा भगदाड पडलेला आहे आणि त्याच्यामुळे हा कॅनल तुटण्याची पूर्ण 100% शक्यता आहे। शासनाच्या विभागाने अधिकाऱ्यांनी ज्याच्यावर लक्ष घातलं नाही तर हा पूर्ण हा कॅनल तुटेल आणि येणाऱ्या उन्हाळ्यामध्ये शेतकऱ्यांना जो पाणी द्यायचा आहे तो पाणी शेतकऱ्यांना मिळणार नाही आणि फार मोठा नुकसान होण्याची शक्यता आहे। आत्ता शेतकऱ्यांनी शेतामध्ये धानाची पेरणी केलेली आहे आणि उन्हाळ्यामध्ये या धानाला मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी लागण्याची आवश्यकता आहे। बावनथडी प्रकल्पात भरपूर पाणी आहे डॅममध्ये, परंतु कॅनल हा तुटल्यामुळे आणि याच्यामधून पाणी जर गेला नाही तर शेतकऱ्यांचा फार मोठा नुकसान होईल। अधिकाऱ्यांनी तातडीने याला दुरुस्ती करावी आणि अशा पद्धतीचे हे नैसर्गिक बांधकाम आहे त्याची चौकशी व्हावी।